नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ इन हिंदी। जानने का प्रयास करते हैं कि 19 अक्टूबर 2021 की लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ क्या देखने को हमें मिलती है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी वाली, भयंकर वाली गिरावट दर्ज की गई है, जैसे IRCTC, टाटा पावर और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों में काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। साथ में SBI, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में फंड रेज की बात हो रही है। तो जानते हैं पूरी पूरी स्टोरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यार दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले IRCTC स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज स्टॉक पे 15% के आसपास की गिरावट दर्ज की गई है। इसको आप 15% ना मानते हुए एटलीस्ट 20% मान सकती हो, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल हाई से नीचे गिरा है। और जैसे आपको पता है 29 अक्टूबर इसकी स्प्लिट डेट है। और मैं आपको एक बात बोली थी, बार बार बोलूंगा, देखो भाई, स्टॉक में पंप तो आपको देखने को मिलेगा आराम से जब तक इसकी स्प्लिट डेट नहीं आती, लेकिन स्प्लिट डेट से पहले स्टॉक में भयंकर वाली गिरावट भी आएगी। ठीक है, ये अभी एक जस्ट एक आपको वो दिखाया गया टीजर, असली फिल्म तो अभी आपको बाकी है। स्टॉक में अभी दोबारा से ऊपर की तरफ के लेवल्स आपको दिखेंगे, आपको मौके दिए जाएंगे और कि भैया आओ बाय करो बाय करो। और वही सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करोगे। देख सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटर्न, यार ये स्टॉक लगातार रॉकेट हो रहा है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है अभी कि स्टॉक को हम बाय करके चले। अगर आप लोग करते हो तो वो गलत चीज़ है। रिटेल को हमेशा लालच दिया जाता है कि आओ भाई हम तो ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। और रिटेल कभी भी स्टॉक को, देखो होता क्या है ना, साइकोलॉजी समझो। कोई रिटेल अगर स्टॉक को 1200 रुपये के लेवल से नहीं पकड़ पाया तो 1500 के लेवल से पकड़ता है। अगर उसने 1500 के लेवल से पकड़ भी लिया तो उसने क्वांटिटी बहुत कम बाई करी होगी, जैसे मानो 10 क्वांटिटी बाई करी या 2 करी या 3 करी। ठीक है, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी कर सकता है। फिर ये स्टॉक आपका 2500 हो गया। फिर आपको न्यूज आई, अरे भाई ये स्टॉक तो बहुत ऊपर जाने वाला है। फिर आपने क्या किया, आपने 5 क्वांटिटी और बाई करी। फिर आपको न्यूज एक सुनने को मिली, ये स्टॉक तो भैया 10000 20000 जाएगा, तो आपने 5000 रुपये में और माल बाय कर लिया। और जैसे ही आपने वो काम किया, आपकी लंका लग गई और ये स्टॉक आपका नीचे आ गया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कभी भी किसी स्टॉक में पैसा लगाना है तो सिंपली उसका RSI इंडिकेटर चेकआउट किया करो कि भैया अगर RSI 80 प्लस हो चुका है, दिखा देता हूँ आपको एक बार, अगर RSI इंडिकेटर 80 प्लस हो चुका है तो भैया समझ जाओ वो उसकी अलर्ट की घड़ी है, वो कभी भी स्टॉक नीचे गिर सकता है। और यहाँ देखो 80 तो उसका साला यहीं 4500 के लेवल में 80 हो गया था। तो यहाँ स्टॉक को एकोमोडेट नहीं किया जाता, यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। तो यहाँ पर अब कभी भी आपको अगर एक रेड कैंडल बनती है, उस रेड कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ये स्टॉक इतनी भयंकर तरीके से गिरेगा ना, शायद आपको कभी जिंदगी में मौका ना दे बाय करने का दोबारा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हमारे कुछ अगले स्टॉक मार्केट न्यूज की तरफ। जैसे कि आपको बताऊँ, टाटा पावर, ये स्टॉक में भयंकर वाली गिरावट दर्ज की गई है 12% के आसपास। सिंपल है, इसका भी कॉन्सेप्ट आप सिंपली लगाओ IRCTC जैसे। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पर इसका भी जो RSI इंडिकेटर है वो भी 80+ हो चुका है, तो भाई डेफिनेटली कभी ना कभी स्टॉक को गिरना है और वो गिर चुका है। ठीक है, एक बहाना चाहिए मार्केट को गिरने का, और सबसे पहले वही स्टॉक गिरेंगे जो पंप हुए, जो स्टॉक 100% भागे कुछ तो दिनों के अंदर, वो सबसे पहले नीचे गिरेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इस लॉजिक को आपको हर फील्ड में अप्लाई करना है। बढ़ते हमारे कुछ अगले न्यूज की तरफ, ताजा स्टॉक मार्केट न्यूज की तरफ। जैसे अडानी पोर्ट्स दोस्तों, आप देख सकते हो रेज कर सकता है 1000 करोड़ थ्रू अलॉटमेंट ऑफ NCD। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू रहेगी 10 लाख ईच ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वजह से भी स्टॉक का प्राइस, अगर आप देखो कि आज क्या कैसा कामकाज कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो लास्ट 2 या 3 दिनों में स्टॉक में काफी अच्छा पंप हमें देखने को मिला। तो आप बोल सकते हो कि पंप मे बी ये हो सकता है कि जो फंड रेज का ये जो इन्होंने सोचा है, ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। और आज स्टॉक में देखो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं रह पाएगी। ये स्टॉक यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप स्टॉक में स्टॉप लगा सकती हो। क्या करो, मैंने कुछ स्टॉक को बाय किया, आई थिंक यहाँ बाय किया है, मैंने आपको बता देता हूँ कहाँ बाय किया मैंने स्टॉक को। हाँ, यहाँ बाय किया मैंने, 735 के आसपास की मेरी कॉस्ट बैठती है। ठीक है, मैंने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, आराम से 10-15% के आसपास का गेन आ रहा था, 10% तो आ रहा था। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जैसे एक रेड कैंडल का कल फॉर्मेशन होता है, वैसे नहीं होगा मुझे इतना पता है। ठीक है, ये बाउंस बैक कर जाएगा, अगर होता है तो उसके लो में मैं अपना स्टॉप लॉस सेल करके निकल जाऊंगा, मतलब। और मैं आपको 3 से 5% के आसपास का प्रॉफिट मुझे आराम से स्टॉक में हो जाएगा विदाउट एनी रिस्क। ठीक है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो इस स्टॉक में। बढ़ते हमारे अगले स्टॉक की न्यूज की तरफ, जो है SBI की तरफ से आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज क्या है। SBI दोस्तों, आप देख सकते हो ये भी फंड रेज कर सकता है 6000 करोड़ अलॉटमेंट ऑफ 81 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 81 बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेज कर सकता है। ठीक है, और आप पूरी चाहो तो पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल के लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। ठीक है,
और आप उसको आराम से तसल्ली से पढ़ सकती हो। मैं आपको अब दिखाता हूँ उसके प्राइस एक्शन में आपको क्या दिख रहा है। देखो इस वजह से स्टॉक में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल सेक्टर में देखने को मिली है, ठीक है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी सब जगह, ठीक है। अब स्टॉक में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है भाई। देखो अच्छा खासा स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 494 रुपये का हाई लगा चुका है स्टॉक। मंथली चार्ट आप तो लग रहा है पंप हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी स्टॉक में तो एकुमुलेट करके चलो, ठीक है। हर टिप में, टिप में कैसे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाता हूँ तो स्टॉक का सपोर्ट बनता है, देखो सपोर्ट ही बन रहा है। तो अगर जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ये निकल के आता है ये रहा, तो अगर स्टॉक अपना इसके नीचे क्लोज कर देता है एक रेड कैंडल, तो आप स्टॉक से दूरी बना के रख सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए बनाना, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है इतना मैं आपको कह दूँ। तो अगर आपको सोचना है कि आपको स्टॉक से लॉस बुक ओवर करना है, तो तब करना जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ब्रेक डाउन कर देता है, क्लोज कर देता है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तब आप यू कैन एग्जिट। उससे पहले मत करना, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और वो ऊपर बाउंस बैक कर जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगली स्टॉक मार्केट न्यूज़ की तरफ। तो बेसिकली ये तीन न्यूज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने शेयर कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पैनी स्टॉक्स, ठीक है, जिसके ऊपर मैं लगातार वीडियोस बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पैनी स्टॉक ऊपर मेरा रिव्यू चाहिए आपको, नीचे कॉमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं अगली जो हमारी वो होगी न्यूज़ वाला जो होगा, ठीक है, पार्ट 2, उसमें एड ऑन कर दूंगा। तो बहुत सारी आपको यहाँ पर न्यूज देखने को मिल सकती है। जैसे देख सकते हो IEX स्टॉक में आपका अक्टूबर 21 को क्या हो सकता है, बोनस दे सकता है आपको, और इसी वजह से स्टॉक में आपको 6% का जंप हमें देखने को मिलता है। पर ये स्टॉक ऑलरेडी दोस्तों बहुत भाग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका प्राइस क्या ट्रेड कर रहा है गूगल में अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हो IEX स्टॉक का जो शेयर है 325% भाग चुका है, ठीक, काफी तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। मात्र 5 साल के अंदर स्टॉक 440% भाग चुका है, तो आप देख सकते हो काफी तेजी है। बाकी अगर तो यार दोस्तों बात करते हैं कुछ पैनी स्टॉक्स के बारे में, जैसे विकास लाइफ केयर, ठीक है, आप देख सकते हो स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है, कंपनी को काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए, इस वजह से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। जब तक स्टॉक आपका 3 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यू कैन होल्ड, ये आपका स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। बढ़ते हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरह, ऊर्जा ग्लोबल, ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, जब तक ये स्टॉक आपका 5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऊर्जा ग्लोबल, यू कैन होल्ड, ठीक है। अभी आप देख सकते हो स्टॉक रजिस्ट्रेशन के नीचे गिर रहा है, मैं आपको दिखाया था। अगर आप बेसिकली एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी स्टॉक में आपको क्या करना है। देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, सपोर्ट एरिया है, तो ये जब तक यहाँ ट्रेड कर रहा है 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर, आप होल्ड करो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरफ, ठीक है। ये देख सकते हो 7 रुपये 50 पैसे एक सपोर्ट एरिया है, इसको सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा सकता है दोबारा से, ठीक है। तो मैं भी यही बोलूंगा, मैंने भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और होल्ड करो, कम से कम ये स्टॉक ये लास्ट जो दिख रहा है आपको इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो यू कैन एग्जिट, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। बाकी अगर कुछ और स्टॉक्स की बात करो, जैसे कि आपको दिखाया था एग्जाम्पल, तो सब बात करते हैं A to Z इंफ्रा, जैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो यू कैन अप्लाई द स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपीज 68 पैसे, ये स्टॉक अप्लाई करो स्टॉप लॉस, मैंने उस स्टॉक में पैसा लगा रखा है, ये स्टॉप लॉस के साथ मैं स्टॉक में अप्लाई करा स्टॉप लॉस, अगर हिट होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा और दोबारा एंट्री करूंगा जब स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर स्टॉक की तरफ, हमारा राजा बैटरी देख लेते हैं एक बार। ये जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में देख सकते हो अच्छा अच्छा खासा आज ब्रेक डाउन देखने को मिला है, स्टॉक ने 705 रुपये का लो तोड़ दिया है, ठीक है, इसका जो लास्ट था इसने तोड़ दिया है। तो स्टॉक में आप क्या करना है दोस्तों, देखो जैसे मैंने आपको बता रखा है, स्टॉक में आपको अप्लाई करना है 51 नंबर का मूविंग एवरेज, तो अप्लाई करके देख लेते, मैंने स्टॉक में भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ स्टॉक ने ये एक क्लोजिंग कर दिया है, तो ये अगर इसका लो ब्रेक कल होता है, ठीक है, इसका लो अगर ये ब्रेक होता है कल, तो मैं स्टॉक से लॉस बुक कर लूंगा। बहुत लोग बोलेंगे सर लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं तो होल्ड करूंगा। अगर आपको लगता है होल्ड करना, आप होल्ड कर सकते हो, मैं तो स्टॉक में लॉस बुक करना पसंद करूंगा, मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करते पैसा लगाया है और मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी स्विंग पोजिशन करो तो अपने औकात के अनुसार करो, इसमें मैं पैसा बना था 5 से 7% के आसपास, लेकिन मैंने प्रॉपर बुकिंग नहीं की क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 30 रुपये का था और मुझे जो प्रॉफिट चाहिए कम से कम 100 रुपये 150 रुपये का चाहिए। अगर एक बार स्टॉप लॉस हो जाता है अभी तो मैं दोबारा स्टॉक में एंट्री करूंगा क्योंकि मेरे स्टॉक में ऑलमोस्ट 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं और मैं तीसरी बार दोबारा स्टॉक में एंट्री करूंगा, तीसरी बार पैसा बन सकता है, तीसरी बार लास्ट होगा, उसके बाद मैं स्टॉक को मुड़ के नहीं देखने वाला फिर, ठीक है। तो ये आपको भी कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। बाकी देखो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, यही थे कुछ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट चटपटे अपडेट, आशा करता हूँ अपडेट आपको अच्छे लगे होंगे। साथ में देख सकते हो टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं, NSE BSE में Nifty 50 के जो टॉप गेनर्स है टेक महिंद्रा, आई थिंक इसके रिजल्ट आउट होने वाले, तो इस वजह से स्टॉक पर तेजी हमें देखने को मिलती है। इन्फीबी स्टॉक अच्छा है, नजरों में रखो, ठीक है। बाकी HDFC बैंक के काफी अच्छे प्रॉफिट आए, तो ये स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो, अगले कुछ महीनों में स्टॉक में काफी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, देख सकते हो, ठीक है। एक अच्छी खासी हरी कैंडल बनी है, इनसाइड बार कैंडल बनी है, तो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, कल स्टॉक में अच्छा खासा आपको बाइंग देखने को मिल सकता है,
तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्टॉक्स के बारे में बात करूं, आपके पेनी स्टॉक के बारे में बात करूं, आपकी जो भी स्टॉक का रिव्यू दूं, नीचे कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उसको एड ऑन करके उसके ऊपर इसी पार्ट टू मतलब स्टॉक मार्केट न्यूज के ऊपर जो हम नया मैंने एक स्टार्ट किया है बोल सकती हो, पॉडकास्ट बोल रहे हो जो आपको बोलना है तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि आप उसमें क्या कर सकते हो। तो आप डेफिनेटली कमेंट कर देना, अगली बार मैं आपके सभी स्टॉक्स ले लूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।